वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह। हम लोगों ने ये देखा है कि बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनरल पब्लिक के हैं, बट वो जनरल पब्लिक के मुद्दे आगे पहुंच नहीं पाते। रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, या पब्लिक वेलफेयर हुआ, या उनकी जो परेशानियाँ वो हुआ, और जब वो मुद्दे इस तरीके से नहीं उभर के आ पाते आम समाज के, आम लोगों के, तो ना ही उनके ऊपर कोई संस्थाएं कोई एक्शन ले पाती हैं। और एक इंडिविजुअल एक कैपेसिटी में देखता है कि हूँ तो मैं पब्लिक, बट आज पब्लिक होके भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कभी उसको डिपार्टमेंटों के चक्कर खाने पड़ते हैं, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो वो करना पड़ता है, कोई कचहरी का इशू हो, लीगल इशू हो, वो करना पड़ता है। तो हर जगह एक जो आम इंसान है वो उलझा ही रहता है। इस चीज़ के लिए क्या हल निकाला जाए? दो तरीक़ों से। एक, हर आम आदमी का मुद्दा निकल के आए बाकी पब्लिक में, और पब्लिक और सोसाइटी मिलके ये देखे कि कौन सा बंदा कहाँ परेशान है और किन चीज़ों के लिए परेशान है, मिलके उसका एक कोई निवारण भी कर सके। और दूसरा, जब वो मुद्दा निकल के आता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, कंसर्न अथॉरिटीज़ में, कंसर्न पब्लिक डिपार्टमेंट्स के अंदर, और इस तरीके के जगहों पर जहाँ पर कोर्ट कचहरी पुलिस का भी कोई इशू है, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी कोई इश्यू है, या सोसाइटी का कोई सिविल क्राइम है वो भी है, तो इन चीज़ों के निवारण के लिए हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। हमने दो अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं न्यूज़ के, एक का नाम है साडा खिड़दा पंजाब और दूसरे का नाम है संवाद इंडिया। ये जो दोनों न्यूज़ चैनल हैं, इन न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम लोकल पब्लिक जर्नल मासेस के मुद्दे इस पर उठाएंगे, और इंडिपेंडेंट मीडिया के थ्रू जो भी जहाँ पर परेशान है वो 24 घंटे हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट होके कनेक्ट कर सकता है, और अपनी किसी भी परेशानी को हमारी और दुनिया के सामने ला सकता है। हर एक आम इंसान को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी आवाज़ उठाने का। दूसरी तरफ हम लोगों ने जब इस तरीके के मुद्दे निकल के आएंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने अपनी दो NGOs बनाए हैं। एक NGO है ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के नाम से, और एक NGO है सत्कार्मिक वैदिक ग्राम फाउंडेशन के नाम से। इन दोनों फाउंडेशंस और NGOs के थ्रू हम इन मुद्दों को टेकअप करेंगे, और कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर, कंसर्न लीगल एडवाइस, सारी इसके थ्रू ही हम टेकअप करेंगे। तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो मुद्दा भी निकल के आ जाएगा, और उसके साथ में एज एन NGO हम लोग जिस कैपेसिटी में इसको टेकअप भी कर पाएंगे। तीसरा, लीगल असिस्टेंस के लिए हम लोगों ने एक लॉ फर्म भी बनाई है। इस लॉ फर्म के अंदर कॉर्पोरेट, सिविल एंड लीगल सारी एडवाइजरी के हमारे पास एम्पैनल्ड हैं प्रोफेशनल्स। तो ये जो लॉ फर्म है ये कॉर्पोरेट का, सिविल का, क्रिमिनल का, ऐसे टेकअप करेगी केसेस, और जो लॉयर्स इस लाइन में इतने सालों से हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ के पब्लिक को इस मंच पर कनेक्ट करेंगे। तो इस लॉ फर्म के थ्रू, इन NGOs के थ्रू ये सारे सॉल्यूशंस पब्लिक के लिए निकाले जाएंगे, और दोनों मीडिया न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम लोग जनरल पब्लिक से इन मुद्दों को उठाएंगे। हम लोग दिल्ली के अंदर सारे RWAs के अंदर अपनी एक टीम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हर RWA के अंदर एक हमारा मेल और फीमेल यूथ या वॉलेंटियर एस्टैब्लिश होएगा। वो यूथ हमारे लिए वहाँ से वॉलेंटियर बन के हर मुद्दा जो वहाँ का इंपॉर्टेंट है उसको अपने मोबाइल के थ्रू कैप्चर करेगा और हमारे साथ शेयर करेगा। तो इसके अगेंस्ट में जो वो बच्चा हमारे से जुड़ा है, एक तो उसको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और क्योंकि वो लोकल रेजिडेंट है वहाँ का, हर घर तक वो पहुँच के इन सारी चीज़ों को निकाल के समाज के सामने, दुनिया के सामने ला सकता है। तो मैं इसके अंदर इन्वाइट करता हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू अपलोड करें, हमारे से कनेक्ट हों, और जो लोग इस तरीके के वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के हर एक RWA के अंदर एस्टैब्लिश हों, ताकि एक एक घर की प्रॉब्लम, एक एक समाज की प्रॉब्लम जो आज तक इंडिपेंडेंटली नहीं आ पाती, वो हमारे मीडियम के थ्रू आगे बढ़े। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।